दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने गुरुवार देर रात सीएम आवास पर दबिश दी, फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आपके समर्थक, कार्यकर्ता, मंत्री जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध में इंडिया गठबंधन भी सामने आ चुका है। चुनाव आयोग के पास पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक या दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर सवाल खड़े कर रही है। ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंगपिन थे, उन्होंने साजिश रची और रिश्वत मांगी। ईडी ने कहा है कि जांच में सामने आ चुका है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए थे। 100 करोड़ की रिश्वत देकर दक्षिण लॉबी, जिसे कि साउथ कार्टेल भी कहा जाता है, इसे करीब 592 से लेकर 600 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और ये इस पूरे अपराध का हिस्सा है। भारत में चुनाव के वक्त जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को कैसे देखा जाना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। तो केजरीवाल गिरफ्तार और उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा जा चुका है। ये भी एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को और कुछ सवाल बहुत ही बड़े इस पूरे सियासी और जो भी कह लें कि जो देश की इस वक्त स्थिति है, इससे निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक कही जा सकती है? क्या ये विपक्ष को कमजोर करने, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया कदम है, कार्रवाई है, जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है? और क्या इसे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि कुछ खुलासों में ये कहा जा रहा है कि जिसकी गिरफ्तारी शराब घोटाले के तहत की गई, उसी की कंपनी की तरफ से बीजेपी को भी चंदा दिया गया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीटों पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर दिखेगा? और क्या एक बड़ी बात यह भी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? ये बहुत से सवाल हैं जिसको हम आज अपने पैनल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है शशिवीर शर्मा जी। शशिवीर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। बीजेपी से प्रवक्ता है अश्विनी शाही जी। सर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। शशिवीर जी, बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जा चुके हैं। ये झटका आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पूरे देश की डेमोक्रेसी को झटका है। जिस तरीके से इलीगल मैनर में, जैसे कि लगातार इनका पर्पस कहीं भी करप्शन के ऊपर भी कंट्रोल करना नहीं है। अगर करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना होता तो ये सबसे पहले छगन भुजबल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करते। अगर इनका मकसद करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना होता तो ये नारायण रैने जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते। क्योंकि सबने देखा है पास्ट में, जैसे हम ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 5 सालों के अंदर जो कुछ किया है, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा की बात थी, चाहे वो नारायण राणे की बात थी, चाहे अजीत पवार, जिसमें देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का स्कैम है, अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सिमिलर विद हेमंत बिस्व शर्मा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अलग अलग नंबर ऑफ लाइन है, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा हमारी डिबेट ओवर हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। हजारों करोड़ों लाखों के स्कैम्स थे जिनके ऊपर जब इंक्वायरी बैठती, ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की, और लगातार जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं देन इंक्वायरी भी खत्म, ईडी की भी, सीबीआई की, सब कुछ खत्म, वो बीजेपी ज्वाइन करे वहीं पे फाइलें खत्म। और एक केस ऐसा भी था जैसे छगन भुजबल वाले केस में, ईडी ने कोर्ट के अंदर बोला कि हमसे फाइलें गुम हो चुकी हैं, और वो 870 करोड़ का स्कैम था, उसमें सब कुछ साइलेंट हो गया। अगर इनका पर्पस पैसे रिकवर करना होता तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में जिनके ऊपर ईडी रेड होती थी, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक उनके पास जैसे बॉन्ड्स आ जाते थे तो वो उनके पास इंक्वायरीज खत्म हो जाती थी, ईडी की भी बंद, सीबीआई की भी बंद। इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने का काम है, वो लगातार करने की कोशिश कर रहे। बीजेपी बेसिकली बौखलाई हुई है क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया नहीं, ना इन्होंने किसानों की बात की, ना नौजवानों की बात की, पेपर लीक की बात कर ले, 2 करोड़ रोजगार की बात कर ले, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा देश के इन मुद्दों को उठाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के ये सारी बातें उठाई थी, बहुत दलेरी के साथ बातें उठाई थी, वो पूरा देश जानता है। सो उसी को लेके कहीं ना कहीं से 2 साल से लगातार कभी 1,000 से ज्यादा इन्होंने अधिकारी लगा दिए, 500 से ज्यादा रेडे कर दी, तब तक कुछ नहीं मिला और आज तक सिंगल पेनी रिकवरी नहीं है। कागजों में एक रिकवरी भी दिखा दे, आज तक एक रिकवरी भी 1 रुपए की रिकवरी नहीं दिखाई जा सकी। तो किस तरीके की केस की बात कर रहे हैं,
केस कुछ भी नहीं है मैम, सिंपल सिंपल सिर्फ आम आदमी पार्टी को दबाने की बात की जा रही है। लेकिन कहीं तो केस है, जिस तरह से शशिवीर जी जिस तरह से कोर्ट ने 6 दिनों का रिमांड दिया है अरविंद केजरीवाल का ईडी को, कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत पेश किए हैं ईडी ने जिसकी बिना पे जिसके आधार पर कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड में भेजा है। अश्विनी जी से समझ लेना चाहेंगे, अश्विनी जी बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के वक्त सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रहार, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है खास करके फेयर एंड फ्री इलेक्शन की, वो कहां बच जाती है? नेहा जी देखिए, सुराज से शराब तक और चोर मचाए शोर, दो उक्तियां बैठती हैं एकदम सटीक आम आदमी पार्टी पर। तो हमारे भाई शर्मा जी यहाँ कह रहे थे, मैं इन्हीं की बातों का जवाब दे देता हूँ, बाकी तो पूरा देश देख रहा है, आज मीडिया पर ही नजर है आप लोगों के ऊपर। इन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया, मैं उल्टा ही चलता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम ही नहीं लेता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ शर्मा जी, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी महाराष्ट्र में, और 2013 में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी महाराष्ट्र में, ये आपको मालूम होना चाहिए और आप पता कर लीजिएगा। मैं कहूंगा नेहा जी आपके भी सोर्सेज हैं, पता कर लीजिएगा कौन मुख्यमंत्री था, किसने क्लीन चिट दी थी। रही बात अजीत पवार साहब का नाम लिया इन्होंने, मैं अजीत पवार साहब के लिए या किसी के लिए कहना चाहता हूं, अभी एक प्रतिष्ठित चैनल पर माननीय गृह मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमने कानून बना दिया है 3 साल में जेल की, और जो लोग भी हमारे साथ आए हैं वो लोग 4 सीट होने के बाद आए हैं, जिस दिन उनका आरोप अपराध सिद्ध होता है, अभी तो आरोप है अपराध सिद्ध होता है, वो लोग हमसे दूर होंगे और 24 घंटे के अंदर जेल में होंगे जी। बड़ा अस्पष्ट कहा था उन्होंने, तो इसमें कोई वो नहीं है। तीसरी बात, मैं ईडी पर आता हूं, ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है, 4000 करोड़ यूपीए के गवर्नमेंट में वसूली थी, 1 लाख करोड़ से ऊपर की वसूली कर चुकी है। अब आता हूं मैं केजरीवाल जी पर, केजरीवाल जी की स्थितियां जो है बड़ी विपरीत हैं उनके खिलाफ, क्योंकि जनता ने उनमें कुछ और देखा था। जैसे अभी संजोग से मुकुल जी से मैं पहली बार और शर्मा जी के साथ पहली बार डिबेट पर बैठा हूं, मुकुल जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ चुका था, पार्टी वॉज गुड, इसलिए मैं आया था कि पार्टी अच्छी थी, इन लोगों ने कुछ देखा था कि कुछ भविष्य में ये व्यक्ति अलग करेगा, मगर आज के दिन में स्थितियां वो बदली हुई हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, अब तो आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जेल आदमी पार्टी कर देना चाहिए, सारा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य सारे जेल में है। कल की घटना मैं बताऊं, अभी शर्मा जी ने कहा कि उनको जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया गया, ये हो गया जी। कल हाई कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी, और हमसे और शर्मा जी से बेहतर वकील वहां लगे हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत बड़े वकील हैं देश के, भले ही वो कांग्रेस के हैं, उन लोगों ने ही आरोप लगाया था इस शराब घोटाले का इन लोगों के ऊपर, लेकिन आज कांग्रेस, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी ये भी भ्रष्टाचारी, तो गलबहिया कर रहे हैं, इनके बचाव में उतर गए हैं, वो उनकी दोहरी राजनीति है, दोहरा मापदंड है, उस पर नहीं जाता हूं। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने जब तथ्य पेश किए, बातचीत होने लगी वहां पर, हाईकोर्ट ने सीबीआई, इन्होंने कहा, सिंघवी साहब ने कहा कि 9 समन इन्होंने दिए हैं परेशान करने के लिए, वहां पर जज साहब ने पूछा कि भाई क्यों आप समन दे रहे हैं, उन्होंने कहा समन देना हमारा काम है, और समन देकर हम इनको बुलाना चाहते थे पूछताछ के लिए, ये आए नहीं, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं आप, तो उन्होंने कहा गिरफ्तार भी हम कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सबूत दिखाने होंगे आपको, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। 2:30 बजे दिन में ईडी ने उनको सबूत पेश किया, उसके बाद शाम को उन्होंने गिरफ्तारी पर स्टे देने से मना कर दिया, यानी कि जहां गए लोअर कोर्ट गए वहां से रिजेक्ट, हाई कोर्ट गए वहां से रिजेक्ट, आज सुप्रीम कोर्ट गए वहां से भाग आए डर के मारे। मनीष सिसोदिया जी की आज 14 महीने से जमानत नहीं हो रही है, हर जगह रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट, लोअर कोर्ट से रिजेक्ट, हाई कोर्ट से रिजेक्ट, संजय सिंह का रिजेक्ट, यानी कि। और तीसरी बात, अंतिम, मैं अभी शुरुआती दौर में कह के शर्मा जी की बात का जवाब देता हूं, एक भी पैसा नहीं मिला, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं 300 से ऊपर करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है, इसी पर हर जगह आप जाकर देखिए, तो कहा है कि ये प्रतीत होता है कि इसमें 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। तो अगर आप वर्डिक्ट को लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी का हवाला दे रहे हैं अश्विनी जी कि घोटाला तो हुआ है,
देखिए ये घोटाला हुआ है, ये अभी आरोप है जी, एक बात क्लियर कर दूं, अभी ये आरोप है। इसको अभी आप निर्णय तो कोर्ट सुनाएगी, लोअर कोर्ट से लेके ये सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, लेकिन जब आरोप लगता है तो आरोपी को आप आरोपी हैं, वो अभी वो मतलब अभियुक्त, आप कैसे अभियुक्त बना के इनको आरोपी बना के इनको जेल में डाल दिया है, लेकिन आप इनके ऊपर अभी कोर्ट ने नहीं कहा है कि ये हाँ इन्होंने ये बेसिकली इनको घोषित नहीं किया कि हाँ इन्होंने वास्तव में काम किया। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक कोई भी आदमी आरोपी बोल सकता, बहुत सारे बीजेपी में भी जैसे भी इन्होंने बताया कि जो लोग हैं उनके ऊपर चार्जशीट होगा तो उनको भेज देंगे, बीजेपी के प्रमुख हमारे बोल रहे हैं। जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी अपना बचाव करेगी, जाहिर बात है यह है राजनीति और राजनीति में सब कुछ गायब है। देखिए कोई भी आदमी कुर्सी के लिए लड़ा, मैं एज ए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद हमारे देश में ही चलता है और राजनीति में सबसे ज्यादा चलता है, तो ये इस वक्त आपस का पावर गेम है। और जो MP तो क्या इस आपस के पावर गेम में जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो रही है, इस आरोप पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए आरोपी अब जो इसमें बदलाव हुआ था, संशोधन हुआ था 2019 में इस एक्ट में, उसमें क्या पावर दी गई थी, उसमें इतनी पावर दे दी गई थी कि हम अगर आज की डेट में मैं मतलब ईडी अगर आपको उठाना चाहे और चार आरोप लगा के आपको अंदर कर दे, तो इसमें यह कि 80 दिन में आपको चार्जशीट डालनी है जी। अब ये एजेंसियां क्या कर रही है कि 80 दिन से 6 दिन 8 दिन पहले कहती है, एक एफिडेविट देती है कोर्ट में और उनको बताती है कि इसमें 5 चीजों में तो जांच हो गई, 3 चीज बची हुई है, तो मैं फिर 80 दिन का दे दिया गया टाइम जी। और जाहिर बात है कोर्ट देती है कि जब आप 4 जांच 5 जांच पूरी कर चुके हैं तो 4-3 जांच के लिए आप 80 दिन और लीजिए। इस तरह से लंबा करते हुए इसको आगे बढ़ाया जाता है, जैसे संजय सिंह है चाहे कोई भी है, ये सारे लोग अंदर है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के वकील है जी, उसका तोड़ इनके पास नहीं है, और बिना देखिए आग के धुआं नहीं निकल रहा है, पहले धुआं निकलेगा। इनका जो बताया गया है, जो आज जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोर्ट में पेश किया गया हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, तो वास्तव में ईडी ने उन्होंने जज के सामने उन्होंने कहा हम आपको अलग से दिखाएंगे, और उन्होंने जो अलग से दिखाया उसमें देखिए अभी ना पैसा बरामद है ना कोई उसकी अभी इन्होंने कोई प्रूफ किया है कि पैसा हमें बरामद हुआ है, सिर्फ एक कही बातें हैं। लेकिन मुकुल जी एक सवाल मैं जरूर यहाँ पर टोकना चाह रही हूँ आपको, लेकिन जिस तरह से के कविता को अरेस्ट किया गया, लेकिन ईडी की कार्रवाइयों पर जिस तरह से तेजी आ जाती है कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए और उसके बाद जिस तरह से सियासी परिवर्तन आए, उसके बाद के कविता अरेस्ट हो जाती है, उसके बाद जैसे ही घोषणा हो जाती है लोकसभा चुनाव की तो फिर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं, तो ये समय का भी मुझे लगता है कि बहुत महत्व इसमें देखना चाहिए कि कितना अहम है कि आखिर इसी वक्त को ईडी ने इस तरह की कार्रवाई के लिए क्यों चुना। वो इससे पहले कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोग ये बोलते हैं कि ये समय यही क्यों चुना, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो यूपी में, उससे पहले छापे पड़ते हैं और उससे काफी पैसा बरामद होता है, और बरामद ज्यादातर उन पार्टियों में होता है जिनकी जड़ें पैसों में मतलब मजबूत थी, तो जब आपका जड़ ही खोद देंगे तो पेड़ तो सूख जाएगा। तो बेसिक मुझे जहां तक लगता है, देखिए फिर मैं कहूंगा जिसके पास पावर है वो देखिए जो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इस पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो कोर्ट में उसी बात पे आऊंगा, कविता का एक गवाही है, आपके इनके सारे मोबाइल की जो ट्रैकिंग है वो इन लोगों का एक जगह होना है और होने में क्या कन्वर्सेशन हुई इसकी गवाही फिर है। पर मुकुल जी एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगी ना, ईडी कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत है वो डिलीट कर दिए गए, मिटा दिए गए, तो फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सबूत उनको दिखाए गए हैं, वो सबकी लोकेशन वहीं पे बताई गई है जी, वो मिटाना देखिए उनके यहां से एक फाइल बरामद हुई है केजरीवाल के घर से, बिल्कुल केजरीवाल के घर से ईडी के 2 बड़े अधिकारियों की फाइल बरामद हुई है, उसमें उनके बच्चों से लेकर रिश्तेदारों से लेकर उनके सारी सारी चीजें हैं उसमें, मतलब जैसे मैं नेहा शुक्ला कहां के रहने वाली है, उनके मामा कौन है, चाचा कौन है, इनके कौन कौन से शौक है, मैं अगर इस तरह की कोई फाइल बना के अपने घर पे रखता हूं तो मेरा कोई अच्छा उद्देश्य तो नहीं हो सकता। एक चीफ मिनिस्टर टारगेटेड टारगेटेड एक्शन है, पॉलिटिकली टारगेटेड एक्शन है, इज इट अ पॉलिटिकली टारगेटेड एक्शन,
एग्जैक्टली और उसको भी इन्होंने अपने घर पे रख रखा है एज ए चीफ मिनिस्टर, आप इसको कैसे रख सकते हैं? जोड़ दीजिए सारी बातें, कौन गलत है कौन सही है, हम इसी फाइल की बात करें तो आप क्यों इतना, आपने क्या प्राइवेट डिटेक्टिव रखे थे या आपने कैसे इसको किया? और सवाल जब उठता है तो इस पे पूरे देश में बहस होती है कि देखिए इस मौके पे अगर अरेस्ट हो रहे हैं, यही नहीं दो चीफ मिनिस्टर क्या तो पहली बार कुर्सी पे रहते हुए अरेस्ट हुए हैं, कानून एक यहाँ से BMW गाड़ी और कैश बरामद हुआ था, दूसरे अरविंद केजरीवाल। तो चीजें देखिए, हर आदमी अपने समय के हिसाब से काम करता है, आज गवर्नमेंट पावर में है, देखिए चीजें इनके साथ भी बुरी होंगी बीजेपी के साथ जी। ऐसा नहीं जिस दिन सरकार जाएगी फाइलें, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो बिल्कुल खुलवाएगी, लेकिन आज समय इनका है और जो गलत कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा जो गलत कर रहे हैं उनको डाल दे रहे हैं। लेकिन सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से भी है, मैं इनसे भी पूछूंगा कि अगर मुझ पर कत्ल का आरोप है या मेरे पास गबन का आरोप है तो मुझसे तो दूर ही रहना चाहिए ना, आप किसी गिरहकट को आप या चोर को आप थानेदार नहीं बना देंगे ना। देखिए गलती मैं किसी को मैं वो नहीं करता, फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जिस समय पे गिरफ्तार करना केजरीवाल का, खासकर इन जो इनके आरोप है, देखिए कत्ल हुआ ना, असलहा बरामद हुआ ना लाश बरामद हुई। जी जी शशिवीर जी कुछ लंबे समय से कहने की कोशिश कर रहे हैं। शशिवीर जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि जब आपने ईडी के समन को बार बार इसकी अनदेखी की तो कहीं ना कहीं ये पहले से तय था कि बार बार समन का जो है इसकी अनदेखी करना और इस तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो मैं एक चीज बताऊं, मैं पेशे से लॉयर, दूसरी बात जब भी समन आते हैं तो समन के ऊपर हमेशा पर्पस रहता है, एज ए विटनेस बुला रहे हैं, एज ए एक्यूज बुला रहे हैं और किस पर्पस के लिए बुलाया जा रहा है, वो बिल्कुल क्लियर रूप से वहां पे मिसिंग था। और उस चीज को लेकर लगातार ईडी को रिक्वेस्ट लेटर्स भी लिखी गई, समन्स का रिप्लाई भी लिखा गया और लीगल टीम के जरिए पूरा बताया गया कि आप किस पर्पस के लिए, कौन सी फाइल के लिए, क्या डिमांड क्या चाहते हो। उन्होंने किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं दिया। सिमिलर वे आप देखेंगे कि जैसे पहले एक शिंदे सेना की एमपी थी, भावना को 5 बार ईडी ने समन भेज दिया। द मोमेंट वो शिंदे सेना में चलेगी, देन उसको चीफ विप बना दिया गया और उनके ऊपर जो 5 सम्मान थे वो खत्म कर दिए, कि वहां सम्मान नहीं पहुंचा, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चली। और बीजेपी के प्रवक्ता एक चीज बोल रहे थे कि जो बंदे पहले आए हैं 2011 से पहले क्लीन चिट मिल चुकी थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में आए हैं, मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ लैंडस्केप की फाइल खोली थी 2020 में, बीजेपी ज्वाइन करते हैं आज तक फाइल क्लोज हो गई, 4 साल हो गए उन फाइलों का क्या बना, क्या 4 साल से ज्यादा का समय लगेगा एक पुलिस को तफ्तीश करने के लिए कौन सा वो करप्शन की है कि नहीं की। दूसरा नारायण राणे 2018 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अगर उनकी फाइलें आगे बढ़नी थी 6 साल का समय हो चुका है, 6 सालों में फाइलें कहां तक पहुंची होंगी, 300 करोड़ का स्कैम था भी वो कहां तक पहुंची। सिमिलर विद हेमंत विश्व शर्मा 2015 में ज्वाइन कर रहे हैं, आज तक उनके केसेस का क्या बना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बताने की बात की जा रही है। बीजेपी में जो भी जाता है वॉशिंग मशीन ऑन है, जो भी बीजेपी के जाता है वो खत्म। देश के आप किसी भी आम आदमी से पूछोगे, कॉमन मैन से पूछोगे कि अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर था, वो यही बोलेगा कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने चंदा नहीं दिया। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड देख लीजिए, लगातार वो कंपनियां चंदा दे रही है, 6,000+ करोड़ का ये चंदा रिसीव कर चुके हुए और उसके ऊपर वो साइलेंट रहेंगे। सिमिलर डे लिस्ट आ रही है उसके ऊपर साइलेंट है, डिबेट करने के लिए पूछेंगे तो ये चुप कर जाएंगे वहां पे, उनके पास बोलने के लिए कोई आंसर नहीं होगा कि बॉन्ड चंदा कहां से आ रहा है। वो तो हफ्ता वसूली चल रही है ना बीजेपी की लीगल वे में, अब जिसको भी पास ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, चंदा आ गया, काम खत्म। और वो चंदा कहां यूज होगा, इलेक्शन में यूज होगा, वो सभी लोग जानते हैं कहां पे यूज होगा चंदा, इलेक्शन में यूज होगा, किस पर्पस के लिए यूज होगा वो भी लोग जानते हैं जी। आज तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, लोग हिंदुस्तान के लोग बहुत जान चुके हैं बीजेपी ने 10 साल के अंदर क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अपने कमिटमेंट्स पूरे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अंतरिम राहत जी शशिवीर जी कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से राहत देने से इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ईडी की अगर कार्रवाई देखी जाए जी शशिवीर जी। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो बात पूरा घुमा फिरा के बोलने की बात करें, पहली बात तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई थी, सिर्फ समन्स के अगेंस्ट गए थे जी, समन्स के अगेंस्ट गए थे वहां पे, एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई थी अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर उनको डर होता वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते, हम डरने वाले नहीं है। और मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूँ, खुल के सियासत करें, राजनीति में आप हार रहे हो अरविंद केजरीवाल से, आप बुरी तरह हार रहे हो,
आप उनका सामना वहां पे नहीं कर सकते हो और इनडायरेक्ट वे से तंग करने की कोशिश कर रहे हो। मैदान में आओ, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के बताओ। वो नहीं इनसे लड़ा जाएगा, वो लगातार इनका लोटस ऑपरेशन का आपको पता ही है, मध्य प्रदेश से लेकर गोवा तक जिस तरीके इन्होंने किया है, हर चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे ईडी का 96% कन्विक्शन रेट है, अभी दिखा दीजिए मोबाइल पे होगा, दिखा दीजिए 96% का है, 6% से ज्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है ईडी का, कितने सालों से केसेस पेंडिंग है, क्यों झूठ बोलते हो लगातार लोगों को, लोग ये पब्लिक है ये सब जानती है, लोगों को पता चल चुका हुआ है, किस चीज को आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो, किस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हो। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि भ्रष्टाचार से अगर इतनी नफरत या जीरो टॉलरेंस है तो फिर जिस व्यक्ति पर आरोप है शराब घोटाले के, उस व्यक्ति की कंपनी से आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर क्यों भुनाए गए, पार्टी ने भुनाया है? और वही सवाल कि महाराष्ट्र में जब कोई भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है तो उसके साथ मिलकर आप सत्ता का जो है कैसे गठन कैसे कर सकते हैं, गठबंधन सरकार कैसे बना सकते हैं? जी देखिए, मैं सबका जवाब देता हूं एक एक लाइन से। त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की जी, उसमें एक सवाल आया था त्रिपाठी जी की उत्सुकता का भी जवाब मैं देना चाहता हूं। पहले वहीं से शुरू करता हूं फिर आता हूं अपने पॉलिटिकल पर। त्रिपाठी जी, जो कानून में अमेंडमेंट 2018 में हुआ है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है, 10 साल रहे, 20 साल रहे, 2 साल रहे, वो जनता के ऊपर है। हम जब चले जाएंगे तो भी वो अमेंडमेंट वहां कायम रहेगा, जिसको भी जो सरकार में आए वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, जो जिसके ऊपर चाहे वो लगा के वो काम कर सकता है। वो देश के एक खुशहाली के लिए, देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक कड़े कानून के रूप में लेकर आया गया है। और ये जो 14-16 दल के लोग जो ये भ्रष्टाचारी इंडिया अलायंस बाद में बना लिए, ये लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे त्रिपाठी जी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम थप्पड़ मारा, वापस भेजा, कहा कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, आप लोग जाइए, आपकी कोई सहायता नहीं होगी, संस्थाओं को काम करने दीजिए। अगर संस्थाओं को गलत लगता तो बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं जो इन लोगों के पक्ष में आई हैं, सरकार के अगेंस्ट में आई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उस समय लोकतंत्र की हत्या और संविधान का नाश होना ये लोग नहीं कह सकते हैं जब इनके पक्ष में आता है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। वहां पर उसके बाद आकर इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारी दलों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन कर लिया कि मोदी भगाओ नहीं तो ये हम लोगों को जड़ खोद देगा, क्योंकि ना खाएगा ना खाने देगा का नारा दे चुके हैं। समस्या अब आते हैं शर्मा जी के ऊपर। शर्मा जी, आपने कहा 2-4 बातें आपने कही कि भाई 96% आप वो देख लीजिएगा, इधर जितनी आप उसको 2 पार्ट में बांटकर देखिए, एक राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक, उसके बाद आपको कन्विक्शन रेट पता चल जाएगा, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं है यहां। दूसरा, आपने बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाया, नेहा जी आपने भी सवाल पूछा कि किससे ले सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि शायद कल से अपलोड होना शुरू हुआ है जी। लेकिन उसके पहले से इन लोगों के पास ये डेटा कैसे आ गया कि भाजपा ने इतना दिया, भाजपा को इस कंपनी ने इतना दिया? भाई उसमें तो बीजेपी को इतना मिला, किसने दिया ये नहीं डेटा था पहले में, उसका कल से अपलोड होना शुरू हुआ है, ये लोगों के पास डेटा आ गया पहले से। दूसरी बात, जिस बात को ये कह रहे हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हम लेकर आए, आज उसके पहले जो कैश का कार्यक्रम चलता था उसका कहीं हिसाब किताब नहीं रहता था, आज तो ये पता चला कि भाजपा ने 6,000 करोड़ लिया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 से ऊपर राज्यों में सरकार, जिसकी एक राज्य में सरकार उसको 1600 करोड़ मिले, कांग्रेस को 2-3 राज्यों में है इसको भी 1400-1500 करोड़ कितना मिला है। तो भाई जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, और नेहा जी आपका भी जो आरोप था जी, उस आरोप में मान लीजिए हम तो सत्ता में हैं, हम लाभ किसी को पहुंचा सकते हैं, ये लोग आरोप लगा सकते हैं जी जी, ये लोगों ने क्या लाभ पहुंचाया कि 1400-1600 करोड़ इन लोगों को मिला? जवाब देना चाहिए इनको, अगर गैरत हो, नैतिकता हो, जवाब के सामने जवाब को रखना चाहिए जी। शशिवीर जी जवाब देना चाहते हैं, शशिवीर जी जवाब दीजिए। शशिवीर जी, अश्विनी जी की बातों का जवाब दीजिए। तो रेट जो बोल रहे हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की आप कह रहे थे कि इनको कैसे पता चला, मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम लिस्ट जनता की थी, बाय नेम आए थे कंपनीज के नाम, किन किन को पैसा गया वो सब क्लियर हो गया था। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कि हमने शायद फायदा पहुंचाया होगा, बाकियों ने क्या फायदा पहुंचाया? पहले भाई आप बताइए आपने क्या फायदा पहुंचाया? ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट में जनता किया गया, जिनके ऊपर ईडी की रेट पड़ी और वो आपको पैसा जमा करवा रही ईडी की रेट के बाद,
पहले की बात नहीं कर रहा हूं, और अगर वो आप ईडी की रेड है, इतनी करप्ट वो कंपनीज हैं, तो आप उनकी उनसे पैसा क्यों ले रहे हो? चाहे वो फ्यूचर गेमिंग है, मैं आपको नाम ले देता हूँ कंपनीज के, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मैं पढ़ के आया हूँ, इंजीनियरिंग, वेदांत, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन उसने सिर्फ बीजेपी को जी, मुझे भी जवाब देना है जी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शशिवीर जी बात पूरी करें संक्षेप में, क्योंकि फिर मुकुल जी के पास भी जाएंगे और अश्विनी जी के पास भी। जी मेरा मेरा दूसरा सवाल था इनसे कि जो 2020 से लेकर 2018 में ज्वाइन किए बीजेपी, जिनको मैं उसी का जवाब देना छूट गया था, मैं वो जवाब दूंगा, वही जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी खुद बोल के खड़े थे इनको कि 70,000 करोड़ रुपया इनसे रिकवर करेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उनके ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या देश नहीं, मैं जवाब उसका दूंगा, छूट गया था जी। देश के प्रधानमंत्री उस समय सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, एक चीज क्लियर कर दीजिए। वो जवाब निहाल जी आप ले, देखिए ऐसा है कि ये बहुत सीरियस मुद्दा है जी, देश के हित का मुद्दा है, तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2-4 मिनट अगर समय बढ़ जाए तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जवाब एक एक अपने भाई का दूंगा जरूर। देखिए इन्होंने जो कहा कि जो दो इसके बाद आए, इस सन के बाद आए हैं और उनके ऊपर आप लोगों ने क्या किया, मैं तो कहता हूं बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदुस्तान की एजेंसियों पर आपको अगर भरोसा है, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर भरोसा है, आप खुद वकील हैं, आपने कहा है अभी PIL में आप लोग माहिर हैं, बड़े बड़े आपके पास खिलाड़ी हैं PIL के, तो टेलीविजन चैनल पर खड़े होकर और बैठकर कहने से कि वो बेईमान भाजपा के साथ चला गया, वो शैतान चला गया, उसकी फाइल बंद हो गई, उससे बेहतर है PIL लगाइए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक कहीं भी लगाइए, और आप उसको कम से कम देश को बताइए कि हाँ इनका केस बंद हो गया है और भाजपा इसमें दोषी है। ये तो देश जानना चाहता है। चुनाव के दौरान जनता के पास जाकर विपक्षी दल यही तो कर रहे हैं। शशिवीर जी एक लाइन में कर रहे हैं, एक लाइन में इसका जवाब दीजिए, फिर कहीं नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ टेलीविजन चैनल पर कर रहे हैं, जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया है जी, और आप आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं अश्विनी जी, अभी जनता को मतदान करना है। हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आप बता दीजिए किसी एक टीवी चैनल ने कहा हो कि भाजपा हार रही है, चर्चा तो आप लोग 400 पार की कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल शशिवीर जी, एक लाइन में, एक लाइन जी। पहली बात तो अश्विनी जी कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी हम उसको मानेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को अगर इतना ही मानते होते, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में एक जजमेंट पास करता है, जो सबसे बड़ा बेंच है, उसके अगेंस्ट आप लॉ लेके आने का काम कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपने लॉ लेके आए हो रिसेंटली, तो उस पे कहां कौन सा सुप्रीम कोर्ट मान रहे हो? मान लो सुप्रीम कोर्ट अगर ना इंटरवीन करता, जो आपने स्कैम किया था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के ऊपर, लोकतंत्र का गला घोटने साहबानों का केस याद है आपको इस देश में? अलग मुद्दों पर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ जो नहीं नहीं जिस लाख की बात ये की है ना, ये अपने पार्टी से जोड़ कर देख रहे हैं, मुकुल जी के पास साहबानों भी याद दिला देना, मेरा काम है जी। कौन सी कार्रवाई की है उनके ऊपर? इस गिरफ्तारी और ईडी की इस कार्रवाई के बाद आप दिल्ली की सियासत को कैसे देख पा रहे हैं? इंडिया गठबंधन यहाँ पर जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है, क्या बीजेपी को फायदा पहुंचने का आप आसार देख पा रहे हैं? क्या आकलन आपकी? देखिए जनता के बीच में काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और जब कोई आदमी जेल जाता है तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो सोचती जरूर कुछ किया होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेज देंगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो समझने वाले हैं उनका दूसरा एक वो रहता है कि आपका वही मैं उसी कहूंगा कि जब कोई बरामदगी नहीं हुई और ये जो प्रूफ रखे जा रहे हैं वो कितने प्रभावी होंगे, कोई हद नहीं, लेकिन ये अब ऐसे प्रभावी वो कितना कोर्ट इसको मानेगी, क्योंकि तो आपको याद होगा मनीष सिसोदिया वाले मामले में जब इनकी जमानत तो दोनों हमारे प्रवक्ता देख लें समझ लें कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इनकी खारिज की तो उस ऑर्डर को पढ़िए ए से लेके वाई तक, आपको लगेगा जमानत मिल रही है और लास्ट में जाके जमानत खारिज हो जाती है, तो उसकी लैंग्वेज है। तो चीजें पब्लिक पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोले तो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो मुतमईन हो जाए कि नहीं ठीक बोला है, वो तो सब कहेंगे गलत बोला है, और आम आदमी पार्टी बोले तो बीजेपी वाले बोलेंगे, तो ये पॉलिटिकल फिर मैं कहूंगा पावर गेम है, मेरे पास है तो मैं यूज करूं, और आप अगर गलत नहीं है जी तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन जो समय बीतेगा यानी कि जो नुकसान हो जाएगा एक आरोप के तहत आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान तो हो जाएगा, इसके आसार दिख रहे हैं जी। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे दोनों लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कह रहे थे, आप ये बताइए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरा अवैध घोषित कर दिया है तो ये सारा पैसा भी तो अवैध था भाई, जब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है अवैध है,
तो आप ये बताइए, अब जब जैसे कह रहे हैं जांच नहीं हो रही, तो हम जर्नलिस्ट हम लोग ही इसको जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कई कंपनियों ने तो ऐसा पैसा दिया है जिनकी ऑडिट 2022 के बाद हुई नहीं है जी। अब मित्रा 4.5 करोड़ रुपए के इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, इनके पास कोलकाता में टीरॉक इंफ्रा एक्सपोजर के नाम से कंपनी है जिसकी टोटल पूंजी 6.40 लाख है जी। मुकुल जी, SBI ने कहा था जून तक दे पाएंगे, लेकिन जो देश के पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, इन्होंने बहुत चंद घंटों में ही जो है मिलान कर दिया है जी। तो कहीं ना कहीं SBI के जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो जी जी एक मिनट, SBI ने सिंघवी जब बहस कर रहे थे तो वो मांग रहे थे टाइम। आप ये बताइए जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो कितने घंटों में वो रिपोर्ट आ गई, तो इसका मतलब SBI जानते बूझते उसको रोक रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई तो 48 घंटे में रिपोर्ट आपके सारा सामने आ गई। तो ये चीजें SBI को भी इसमें मतलब SBI पे भी कोई दबाव रहा होगा कि अभी भी मत रिलीज करो, तभी तो उन्होंने ऐसा शब्द बोला। और जब सुप्रीम कोर्ट अश्विनी जी भ्रष्टाचार पे क्या दोहरा मापदंड अपनाती है बीजेपी? कोई दोहरा मापदंड नहीं है, मैं SBI का प्रवक्ता नहीं हूं, और SBI ने अगर किया था गलत तो SBI ने उसको सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डाटा अच्छा किया, आ गया सामने मामला। इसमें सरकार का क्या दोष है, ना सरकार का कोई प्रेशर है उनके ऊपर, वो स्वतंत्र संस्था है जी। उसमें कोई लेकिन लेकिन अभी मेरा कहना यही है कि जो लोगों ने 1600-1400 पाया है नैतिकता के आधार पर वो भी तो बताए, सिर्फ पूछेंगे। अभी हमारे शर्मा जी ने कहा कि आप बताइए आप सरकार में है, भाई हम बता दें हम सरकार में है, आप नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे भाई, आप ही घोषित कीजिए। DMK ने तो बताया है कि हमने यहां से लिया है जी। DMK एक पहली पार्टी है जिसने बताया, आप ही की सहयोगी है, मैं धन्यवाद देता हूं उनका। लेकिन कांग्रेस कहां से पाई है, तृणमूल कांग्रेस 1600 करोड़ कहां से पाई है, इसका हिसाब कौन देगा? हम तो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक लाइन जो पहले मैंने बोला उस पर किसी ने गौर नहीं किया कि जब तक इलेक्टोरल बांड भाजपा नहीं लेकर आई थी उसके पहले जो थैलियां चलती थी, ब्रीफकेस चलते थे, उसका हिसाब कौन देगा? न खाता ना भाई, सीताराम केसरी का उससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं चुनाव चुनावी बॉन्ड। नहीं नहीं, अभी तो ये गिनती के पैसे आ गए हैं, उससे इससे बहुत ज्यादा पहले होता था जब कैश चलता था, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता था। आज तो कम से कम पारदर्शिता है, चाहे किसी दल के पास कोई पैसा आया है, आपकी आंखों के सामने आप ही ने कहा कि हमारे विशेषज्ञों ने और विश्लेषकों ने हिसाब लगा लिया, तो आज पारदर्शिता है तब तो लगा लिया। पहले का हिसाब लगाकर मैं चैलेंज करता हूं, कोई बता दे किसको कितना मिला है जी। जी मुकुल जी, जी मुकुल जी कुछ कहा जी मुकुल जी, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से भाई अपने, मैं पूछना चाहता हूँ जैसे इन्होंने कहा कि DMK ने किया है, अरे इसमें कई पार्टियों ने अपना बताया है कि हमें क्या मिला, आम आदमी पार्टी ने भी बताया जी, किससे मिला, किससे मिला, डोनर्स का नाम बताया है। हाँ DMK है, AIADMK है, SDF है, JDS है, कई पार्टियां हैं जी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस भले ना बता रही हो और बाकी ना जो बता रही हो वो अलग बात, इशू हो गया। मैं सिर्फ इनसे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जिन कंपनीज के पास कुल जिन्होंने 4.5 करोड़ के 4.25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और जिनकी हैसियत बहुत कंफ्यूज थे, क्या इस पे सरकार कोई जांच कराएगी? जांच का विषय है ये यही तो त्रिपाठी जी यक्ष प्रश्न यही है कि हिंदुस्तान में धैर्य नहीं है। धैर्य अगर होगा, आज मैंने बार बार कहा, बहुत गंभीर चीज मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लेने वाली चीज है कि ये इलेक्टोरल बांड जो आया आज लिखा पढ़ी में है और जिसने जिसको दिया, तुम्हारी औकात थी देने की या नहीं थी, ये तो एजेंसियां जांच करेंगी उनका। लेकिन इसके पहले की चीजें कहां गई, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि लिखा पढ़ी में भाजपा ने किया, इसको भाजपा का एक बेहतर प्रयास मानिए। सत्ता से ज्यादा जवाबदेही हमेशा सत्ता से ज्यादा रहती है, अपेक्षा भी ज्यादा सत्ता देश से ही के लिए विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है जी, बिल्कुल। सत्ता की तो होती ही है, सर्वोपरि है, पर बड़ी जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही सत्ता की तरफ से होती है। शशिवीर जी, मैं समझना चाहूंगी कि एक आम आदमी पार्टी पर लगातार ये भी आरोप सामने आते रहे कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के भीतर केंद्र जो सारा सेंट्रलाइज पावर किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज पार्टी को नेतृत्व की जो है कमी का सामना ना करना पड़ता। अब क्या होगा, दिल्ली की जनता जिसने कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंपी, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जेल से सरकार चलाएगी कहना आसान है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जेल से तो बैंक चलता है, सरकार चल सकती है, सरकार को चलाने के लिए कहीं से भी किसी तरीके की कोई
कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के संविधान में रोक नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरीके से वो सरकार चला सकते हैं, चाहे चाहे ईडी ने चाहे इन्होंने जेल में भेजने की कोशिश की है, वो ज्यादा देर जेल में नहीं रुकेंगे, क्योंकि लगातार एक नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने इलेक्शंस का समय है, उन्होंने कितनी नेशनल पार्टी है देश के अंदर, चंद नेशनल पार्टीज है, उनके नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जाकर प्रचार करना था, सिर्फ प्रचार से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भेजा गया। और ये दिल्ली की जनता भी समझती है, और जितना दिल्ली की जनता का दुख इनको हो रहा है, बीजेपी को शो कर रहे हैं कि हो रहा है, इनका असल मायने में कोई दुख नहीं हो रहा, इनको सिर्फ सिर्फ दुख इस बात का है कि दिल्ली की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, चाहे एमसीडी की बात है, मनोज तिवारी को छोड़ के जाते हैं जो चेहरे बदल दिए गए मौजूदा बीजेपी सांसदों के। अश्विनी जी एक लाइन में, क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक लाइन में। देखिए आप टिकट पर आपने कहा तो देखिए भाजपा का तो इतिहास रहा है कि पूरी पूरी सरकार हम लोग बदल देते हैं और फिर से चुनकर आते हैं, गुजरात उदाहरण है, वो तो पैनल में जो क्या है क्या नहीं, हम जिसको जिताऊ समझेंगे उसको टिकट देंगे। दूसरा जो शर्मा जी मैं कहना चाहता हूँ, जेल से गैंग और गिरोह चले करते हैं अपराधियों के, जेल से सरकारें नहीं चलती। हाँ संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मगर क्या ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि जेल में वो मीटिंग बुला सकते हैं कैबिनेट की? नहीं बुला सकते हैं। कहां जाएंगे? कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, कुछ पास नहीं होगा, तो वो गिरोह संचालित वहां से कर सकते हैं। जो दिल्ली के लोगों के लिए सब कुछ, ईडी ने कहा है कंपनी है, वो जनता क्या करेगी? कंपनी है जी जी, समय समाप्त हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी शशिवीर जी, अश्विनी जी आपका भी और मुकुल जी आपका भी, कि आपने कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध है कि अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार किए गए, ईडी की कड़ी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उस पर आपकी कोई राय है या फिर आपकी कोई ओपिनियन है तो उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com या फिर नेहा@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात।